देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, दिनांक 22 जनवरी को अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। इसके दृष्टिगत गोंडा पुलिस प्रशासन द्वारा भी सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो हमारा रूट डाइवर्जन प्लान है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार है। इसमें भारी वाहनों को भी रूट डाइवर्ट किया जाएगा और हल्के वाहनों को भी रूट डाइवर्जन किया जाएगा। इसके दिनांक की तिथि तय होते ही आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। और कार्यक्रम के दिन और कार्यक्रम के दो दिन पूर्व यानी 20, 21, 22 तो जनपद अयोध्या में जो मंदिर है वो सभी लोगों के लिए बंद रहेगा। इस संबंध में भी लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग भी अयोध्या जाने का अपना योजना बना रहे हैं वो 23 तारीख के बाद का अपना कार्यक्रम बनाएं। बॉर्डर पे जो हमारी जितनी भी पुलिस की अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, सभी सतर्कता बरत रहे हैं। जो बॉर्डर के हमारे गाँव हैं उन गाँव में भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारे गाँव की ग्रामीण सुरक्षा समितियां हैं उनके साथ भी सभी थाना प्रभारी मीटिंग कर उन्हें भी इस संबंध में अवगत करा रहे हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखने पे तत्काल वो पुलिस को सूचित करेंगे। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर गांव में आ रहा है तो उसके संबंध में भी वो पुलिस को सूचित करेंगे। इसी के क्रम में लगातार जितने भी हमारे यहाँ होटल, ढाबे, सराय हैं उनकी भी नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है। और इन सभी होटल ढाबों के संचालकों को भी पुलिस द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी को भी अगर वो अनजान व्यक्ति को अपने यहाँ रोक रहे हैं तो उसकी फोटो आईडी जरूर लें, और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उन्हें दिख रहा है तो उसका सत्यापन वो पुलिस से अवश्य करा लें। बॉर्डर पे ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और नियमित रूप से जो वाहन है उनकी भी चेकिंग कराई जा रही है जो भी बॉर्डर के इस पार या उस पार जा रहे हैं। इस प्रकार कार्यक्रम के लगभग सभी तैयारियां इसमें पूरी कर ली गई हैं। करीब एक कंपनी पीएसी इसमें हम डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा हमारे पुलिस के कई एसएचओ और कई राजपत्रित अधिकारी लगातार 24 घंटे वहां तैनात रहकर इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराएंगे।